मैडम क्या होता है ना, रमजान के महीने में ना हम लोग पूरी फैमिली के साथ बैठ के रोजा खोलते हैं। हमारी कंपनी की रूल्स हैं, हम ये अलाउ नहीं कर सकते। मैम फाइल रेडी है और आपने जो पार्सल के लिए बोला था ना मैंने वो भेज दिया है, और कुछ काम है तो बता दीजिए जल्दी, मैं कर दूंगा। नहीं नहीं कोई काम नहीं है। मैम आज छुट्टी चाहता था, मेरी बीवी का फास्ट है तो उसके लिए। हाँ तो जाइए ना। अरे इनफैक्ट हमारे हिंदू धर्म में जितने भी रिचुअल्स हैं वो बनाए ही इसलिए कि उसे फॉलो करना चाहिए। मैम आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जाइए, वेलकम। मैडम ये हो गया है तो ये इसकी पीपीटी मैंने बना दी है, शाम तक मैं क्लाइंट को भेज दूंगा। ओके जी। मैडम एक बात करनी थी आपसे। कहिए। अभी हमारा रमज़ान का महीना चल रहा है तो एक महीने ना मैं घर पे जल्दी जाना चाहूँगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। मैडम क्या होता है ना, रमज़ान के महीने में ना हम लोग पूरी फैमिली के साथ बैठ के रोज़ा खोलते हैं। लेकिन सैफ जी हमारी कंपनी की रूल्स हैं, हम ये अलाउ नहीं कर सकते। मैडम अगर ऐसा कोई रूल्स है, देखिए मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अगर पॉसिबल है तो जो सैलरी मेरी काट सकते हैं वो काट लीजिए। देखिए मैं आपको अलाउ नहीं कर सकती। मैडम समझिए बातों को, ये रमज़ान का जो महीना है ना वो हमारे लिए सबसे पाक होता है। इसमें हम सब ना अल्लाह से दुआ करते हैं कि दुनिया में ना अच्छा ही रहे और कोई भी बुरा काम ना करे। तो ये रमज़ान के महीने में ना हम अल्लाह के बहुत करीब रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे अल्लाह के। मैं समझती हूँ पर मैं हमारी कंपनी के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकती, सो आई एम सॉरी। आपको 30 दिन रेगुलर काम करना पड़ेगा। ठीक है मैडम, आपको छुट्टी नहीं दे सकती। चलेगा, छुट्टी मत दीजिए। और ना ही जल्दी छोड़ सकती हूँ। वो भी चलेगा मैडम, लेकिन क्या मैं ऑफिस में रोज़ा खोल सकता हूँ क्या? पर ये हमारी कंपनी की पॉलिसी में नहीं है। मैडम देखिए अगर मैं रोज़ा नहीं खोलूँगा ना तो मेरे लिए भी ठीक नहीं है, और आप समझिए ना मैडम, आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि ऑफिस में कोई कोना दे दीजिए, मैं किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करूँगा और मैं आराम से नमाज भी पढ़ लूँगा और रोज़ा भी खोल लूँगा। पर मैं रूल्स नहीं तोड़ सकती सिर्फ आपके लिए। ठीक है मैडम, सॉरी माफ कीजिए। सैफ जी। हाँ जी मैडम। वैसे मैंने हमारे ऑफिस में ऐसी एक जगह बनाई है जहाँ आप मतलब मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, जितने भी हैं क्रिश्चियंस वगैरह, सबके अपने अपने रिचुअल्स को, अपने पर्व त्यौहार को मना सकते हो या उसे फॉलो कर सकते हो उस जगह पे जाकर, तो आप अपना रोजा छोड़ सकते हो। थैंक यू मैडम। रिलैक्स, जाइए जाइए, मैं तो बहुत डर ही गया था। थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू। रमजान के पाक महीने में हम अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, इसीलिए किसी के ईमान और धर्म को हमें ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए।